ये क्या, ये देखिए ऑपरेशन हुआ था, ये क्या हो गया? गिर पड़े थे। हाँ, साइकिल से घर पर गिर गए। अच्छा, तो आपको तनख्वाह था, मिलती थी ऐसी या? नहीं बेटा, तनख्वाह कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो आप इधर दिल से ही काम करते हैं? हाँ, अपने मन से। बस कुछ देते रहता है, चाय पी लो। हाँ। बस ठीक है, चाय पी लिए, पिला दिया अल्लाह ने, बस और कुछ नहीं। पहले ये कहा जाता था बेरी गारत। क्या चीज? बेरी गारत। बेरी गारत क्योंकि अंग्रेजों ने बेरी गारत कर दिया, गारत कर दिया सब। अरे हाँ, और फिर उसके ऊपर फिर बनाया, समझ लीजिएगा। उसके बाद आज भी जो पुराने लोग हैं वो बेरी गारत के नाम से आते हैं। अच्छा, रेजिडेंसी को नहीं बुलाते? रेजिडेंसी नहीं कहता, नया नाम होगा ना। नया नाम हो गया भाई। भाई साहब ये फोटो खींच रहे हैं, मैं कहूँगा दो मिनट के लिए मुझे दे दिए, मैं खींच लूँ फोटो। आप दे देंगे, ईमानदारी पर देंगे ना? हाँ, कि लेके भाग तो जाएंगे नहीं ये। और वो जो थे आए, आप राजा हैं, मैंने कहा कि आप ये मुझे रहने के लिए दे दीजिए। हाँ। राजा ने कहा रहो, आपने कहा रहो 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 रहो, कोई भी आए रहे। अब ये थोड़ी मालूम लगे दिल में गद्दारी है तुम्हारे। हाँ, बस क्या है भैया, किस्मत की बरियाली है। अच्छा, दरवाज़ा इसलिए भेड़ देते कि कुत्ता बिल्ली ना जाने पाए। कुत्ता तो चाहे वो मंदिर हो चाहे वो मस्जिद हो, कहीं पे। मैंने बचपने से दर्जी का काम किया था। दर्जी क्यों? अब माँ बापों ने बिठाल दिया। आपकी खुद की मर्जी नहीं थी? माँ बापों ने बिठाल दिया, दुकान की। अच्छा, तो कर चुके हैं। आपके पिताजी की दुकान थी? नहीं, मैंने खुद की थी। पिताजी तो मेरे छोटे, जब मैं छोटा सा था जब मर गए थे। हमारा भैया कहता तो है, पापा बस बैठ जाओ, खुद ही कर पाओगे तुम, अब बैठ जाओ। हमने कहा नहीं। हम लोग रहे हैं तन्हाई में करीब करीब 13-14 दिन। 13-14 दिन तन्हाई में? मतलब तन्हाई, बिल्कुल तन्हाई, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सॉलिटरी कमरे में, एक अकेले कमरे में हम लोग 6 आदमी। आपने क्या किया था? लेकिन याद किया था, उसमें कैसे कोई मारपीट नहीं की थी। यहाँ जो आए गेट, जब यहाँ आए थे, जब कचहरी आए तो कहता खाना नहीं मिलेगा, ये सब गलत। मैंने दरोगा जी वो मार मारूंगा, स्वर्ग बना दूंगा तुम्हें। और अभी जाके, हाँ, फिर जाके मैंने कहा जा क्या, हमने साहब ये कानून थोड़ी है कि हम लोग जेल से आए हैं, कोई कैदी तो है नहीं। हाँ, और क्या, हम खाना खाएंगे यहीं। तो भाई फिर उसी वक्त उसने फौरन लिखा गया, इनको खाना खिलवाओ भाई। हमने कहा साहब हमने इनको गाली भी दी है, ये बहुत ख़राब आदमी है, और ये लेके ना आवे हमें अब। जेल में। आपका नाम? राम कुमार। तो यहाँ पे कितने साल से? 60 साल। तो आपने कम उम्र से चालू किया ये काम? कितने बरस के थे जब आपने? करीब 18। किसी ने सिखाया, पिताजी आपने या खुद से सीखा? माँ हजरतगंज में बैठते थे। हजरतगंज? फिर माँ सीख के अपना करने लगे। हाँ, अकेले है। अब अकेले हो? मर गए बूढ़ा। सब अकेले अकेले रहते? पहले 1 रुपये में झोला भर जाता था। अब साला 100 रुपये सब्जी लो, झोला नहीं भरेगा। 8 आने 4 आने में पहुंच जाओ चौक। अब चौक में लगता है 5-10-15-20 रुपये। कितने बजे आते सुबह? हम 6 बजे आ जाते हैं। 6 बजे चले जाते हैं, 6-5 बजे कचहरी बंद हो जाती, चले जाते हैं। ये दोनों साथ साथ देख रहे हैं? अच्छा, दोनों साथ हैं। आपके साथ आपके दोस्त हैं? सभी दोस्त हैं। हाँ हाँ, ये साथ साथ दोनों इसी तरह से बैठे हैं। आप आए हैं? अरे यही सर बचत हो जाएगी, जहाँ यहाँ नमक रोटी मिल रही इसी से बचत हो जाए जानो।
नगम निगम भगाया करते चलो उठाओ भाई भगा रहे आपको क्या नगर निगम और क्या नगर निगम भगाती और कौन भगाएगा यही बैठना भी मुश्किल है सर कितने साल से हैं यहाँ यहाँ हमको हो गया 40 साल सर 40 साल जी इसी जगह में इसी जगह जी हाँ 40 साल 40 साल और जो आपके बगल में है गुप्ता जी इनको कब से जानते हैं इनको हम 40 साल हो गए 40 साल से इनको जान रहे हैं हमारी इनकी दोस्ती इसी जगह पे रहे आपकी उम्र कितनी है हमारी 70 साल है सर 70 हाँ 70-75 की होगी तो गुप्ता जी आपके सीनियर हैं सीनियर हैं गुप्ता जी हमसे बहुत सीनियर हैं आप रहते किधर हैं आप रहते किधर यहीं वो तख्त पड़ा हुआ कहीं वहाँ सो गया कहीं यहीं सो गया अच्छा सही बात है झूठ बात नहीं किसी से पूछ लो सत्य बात बताएंगे गलत नहीं बताएंगे 1,000-2,000 रुपए कहाँ पाएंगे जो हम कमरे किराया लेके रह गए सरकारी वकील प्राइवेट वकील ड्राइवर कंडक्टर सभी हमारे पास आते हैं और बाहर की पब्लिक भी आ जाती है काम को हम किसी को सर इनकार नहीं करते चाहे पैसा दे चाहे ना दे काम करा ले जाए चला जाए तो ये किसने सिखाया काम आपको ये सर पहले मैं नया काम करता था ये काम नहीं करता क्या करते क्या करते थे पहले मैं जूते बनाता था अच्छा बनाते थे कहाँ पे यहीं अच्छा यहीं पे चप्पल चप्पल जूता सैंडल चाहे लेडीज के हो चाहे जेंट्स हो मगर अब बुढ़ापा आ गया सर एक एक फैंसी चप्पलें बनाया मैंने एक एक जूते मगर सर अब नहीं होता है हमारे कम से कम सर झूठ नहीं बोलेंगे कभी 100 हो गए कभी 150 हो गए कभी 50 में आज तो साहब 20 रुपए हो अभी तो अभी दिन बाकी ना आज छुट्टी दिन बाकी है आप इधर से वहाँ चले जाइए पालिश कराने का माप से जबान खोल के नहीं कहेंगे कि बाबूजी पैसे देते जाइए आपकी मर्जी है तो दे दिया नहीं ध्यान रात चले गए दूसरे दिन आप आए दूसरे दिन आपकी यात्रा दे दिया लड़ाई झगड़ा नहीं कोई इतने इतने बच्चे आ जाते कोई 1 रुपए लेके बाबा बना दो 1 रुपए ले लो लो बना दे जाओ और शाम को आपके सर झूठ नहीं बोलेगा 50 ग्राम दारू पीने का तो सही है ना झूठ के बताए सर आपके तो सही है अरे नहीं ज्यादा पैसे मिले तो कोई आ गया सज्जन कर मिलाओगे 30 ले लो भाई 30 नहीं तो मैं फिर मर जाऊंगा सही बात है सर अरमान सिंह अरमान सिंह उम्र कितनी हो गई 13 साल 13 साल यार तुम्हारी मुस्कान जो है उसकी बात ही कुछ और बड़ा होके क्या बनेगा डॉक्टर किस चीज का दिल का डॉक्टर दिल का डॉक्टर तो अभी कुछ ही साल में बन जाएगा हाँ। फिर लोगों की सेवा हाँ मुफ्त में करोगे पैसा लोगे अरे छोड़ो भैया मुफ्त में तो मेरे पिताजी नहीं करते बता कितने साल से चाय बना रहे हैं करीब 30 साल हो गया 30 साल आपके चाय में क्या खासियत है खासियत बस अच्छी लगती है ताजी दूध ताजा होता क्या चाहते हैं कि इतने सारे लोग आते हैं जी ये मोहब्बत है खान पान मोहब्बत होती है सर